उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी में आम जनों की इस सोच पर अब देश की जनता ने भी मोहर लगा दी है। इंडिया टुडे द्वारा कराए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश की जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा काम करने वाला सीएम माना है। इस सर्वे में योगी आदित्यनाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन पर 20 साबित हुए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब देश की जनता ने उन्हें बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर बताया है। बीते साल भी जनता ने उन्हें देश का सबसे बेहतर काम करने वाला सीएम माना था। जो लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते हैं उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अव्वल रहना ही पसंद है। हर कार्य को पूरे परफेक्शन और सबसे बेहतरीन करना उनका सगल रहा है। उनके इस स्वभाव को सूबे की जनता बीते पौने 4 साल से देख रही है। इस दौरान जनता ने देखा कि कैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को यूपी में निवेश करने के लिए उन्होंने सम्मेलन आयोजित किए, किसानों के कर्ज माफ किए, फिर कैसे उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर समूची ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को जनता की मदद में लगाया, कैसे यूपी के चिकित्सा ढांचे को बदल कर रख दिया और कैसे उन्होंने हर अस्पताल में वेंटिलेटर लगवा कर कोरोना पीड़ितों के इलाज का इंतजाम किया। मुख्यमंत्री के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज कोरोना से निपटने में यूपी ने देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया और कोरोना मैनेजमेंट में योगी सरकार देश में नंबर 1 साबित हुई। उनके इन प्रयासों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तमाम कार्यों के चलते इंडिया टुडे सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने उनको पसंद किया और उन्हें देश का बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर बताया। बीते साल भी इंडिया टुडे के इसी तरह के सर्वे में देश की जनता से बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को लेकर सवाल पूछा गया था। तब भी लोगों ने योगी आदित्यनाथ को देश का नंबर 1 चुना था। बीते साल के मुकाबले इस साल यूपी में मुख्यमंत्री ने अपने कामकाज से लोगों के दिलों में ज्यादा जगह बनाई है। उनको पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। खास बात यह है कि ये योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं जिनसे तुलना की गई है। उनमें से अधिकांश एक बार या उससे अधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे बतौर मुख्यमंत्री योगी की ये लोकप्रियता उनको और खास बना देती है। यह बेहतरीन कार्यशैली का भी सबूत है। वैसे भी साल दर साल कीर्तिमान बनाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सगल है। आज से ही नहीं, करीब 2.5 दशक से सांसद के रूप में शुरू से ये सिलसिला मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी है। इंडिया टुडे की ओर से किए गए सर्वे ने फिर इस बात पर मुहर लगाई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कोई जवाब नहीं। वर्ष 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्री के लिए हुए सर्वे में योगी नंबर 1 बनकर उभरे थे। उस सर्वे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बंगाल की ममता बनर्जी, राजस्थान के अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े थे। जनता की नज़र देश के बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर माने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ माह पहले फेम इंडिया की रिपोर्ट में सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए थे। अपनी ईमानदार छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता तथा बुलंद इरादे की वजह से वह देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बने थे। समग्रता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 रहे, उसके बाद सीएम योगी का नाम लिया गया था। इस सूची में देश के कुल 8 मुख्यमंत्री शामिल थे। टॉप 10 में 6ठे नंबर पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और 10वें नंबर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक रहे। झारखंड के हेमंत सोरेन 12वें, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल 13वें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17वें, गोवा के प्रमोद सावंत 30वें और पंजाब के अमरिंदर सिंह 31वें नंबर पर रहे।